हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में फिफ्थ बोर्ड एग्ज़ाम के प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड को लेकर किस प्रकार से डाउनलोड करें, शाला दर्पण के माध्यम से बात करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो फिफ्थ बोर्ड के एडमिशन कार्ड और परीक्षा संबंधित कई प्रकार की चीज़ें जारी हो चुकी है। तो सबसे पहले हम एडमिट कार्ड की बात करें तो शाला दर्पण के होम पेज में नीचे ऑप्शन जो चल रहे हैं उसके ऊपर हमें क्लिक करना है, लॉगिन होना है, जहां एट बोर्ड का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है इसी के ऊपर क्लिक करना है और हमें आगे बढ़ना है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहां हमें लॉगिन करना नहीं है लेकिन लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। तो ये इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जिसमें कक्षा 5 और 8 एग्जाम से संबंधित ये इंटरफेस है। शाला दर्पण का नवीन पेज, यहाँ से ही हमें कक्षा 5 के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने होंगे। तो लॉगिन करेंगे हम इसके ऊपर, लॉगिन के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो लॉगिन के लिए इसमें ऑप्शन ये आएगा इस प्रकार का। यहाँ पर हमें क्या करना है, इस पेज में लॉगिन अभी करना नहीं है लेकिन हमें ये केवल स्कूल और ऑफिस लॉगिन लिखा हुआ है, यहाँ लिखना है स्कूल लॉगिन और एग्ज़ाम जैसे लिखा हुआ है school/exam, इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी हमें यहाँ लॉगिन करना नहीं है, इस पेज में स्कूल और एग्ज़ाम सेंटर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी यहाँ क्लिक करेंगे। ये वाला जो पेज ओपन हो रहा है यहाँ लॉगिन हमें नहीं करना है, केवल आप समझ गए होंगे स्कूल एग्ज़ाम सेंटर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे फिर लॉगिन का ऑप्शन एक और ओपन होगा, इस प्रकार के पेज ओपन होगा और यहाँ पर अब हमें लिखना है, क्लिक करना है, यहाँ लिखा हुआ है स्कूल और एग्ज़ाम सेंटर लॉगिन, लॉगिन एज स्कूल एंड एग्ज़ाम सेंटर, क्लिक हेयर। यहाँ पर अब क्लिक करके हमें आगे बढ़ना है, अपनी जो भी है लॉगिन आईडी लगा के हम लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे क्लिक हेयर टू लॉगिन, इसके लिए हमारे सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा शाला दर्पण का। अब यहाँ पर आपकी विद्यालय की लॉगिन आईडी से आपको लॉगिन होना है। अब यहाँ पर लॉगिन होने के पश्चात आगे बढ़ेंगे तो जो है ये इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, विद्यालय की आईडी से हो रही है रिपोर्ट और एग्ज़ाम एक्टिविटी दिया गया है, एग्ज़ाम एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करना है। एग्ज़ाम एक्टिविटी में क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। फिफ्थ और एट बोर्ड आवेदन पत्र है, उनके एप्लीकेशन है और सेशनल मार्क है, उसके नीचे ही एक ऑप्शन नज़र आ रहा है सेशनल मार्क एंट्री के बस नीचे ही स्कूल वाइज एडमिट कार्ड में हम बच्चों के एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पर स्कूल वाइज एडमिट कार्ड के ऊपर और यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे ऊपर हमारे विद्यालय के नाम, हमारे सेंटर स्कूल का नाम और हमारी स्कूल का नाम वगैरह दिए गए हैं और नीचे ही ये दिया हुआ है सेशन क्लास सेक्शन और गो। तो सेशन अभी जो करंट है 2022-23, क्लास फिफ्थ कर लीजिए, सेक्शन चूज़ कर लीजिए ए और जो भी सेक्शन है और गो पे क्लिक कर दीजिए। जैसे गो पे क्लिक करेंगे हमारे बच्चों के नाम डिटेल हमारे सामने आ जाएगी, उनके एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, SR नंबर, उनका नाम, पिता का नाम और व्यू का ऑप्शन पीछे एक सबसे बड़ा नज़र आ रहा है, व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यू के माध्यम से हम बच्चे का एडमिट कार्ड देख सकते हैं पर्टिकुलर बच्चे का। तो जैसे ही व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यू के ऊपर क्लिक करने पर ये इस प्रकार से एक एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा बच्चों का और नीचे एडमिट कार्ड में टाइम टेबल भी नज़र आ रहा है कक्षा 5 का, इसको हम प्रिंट करके बच्चों को दे सकते हैं, नीचे प्रिंट का ऑप्शन भी मिलेगा। तो ये तो टाइम टेबल है कक्षा 5 का, जो जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ऊपर बच्चों की डिटेल है, उनका फॉर्म भरा हुआ पूरा नज़र आ जाएगा, प्रवेश पत्र राजस्थान सरकार पंजीयक प्रारंभिक शिक्षा पंजीयक शिक्षा विभाग परीक्षा कक्षा 5 प्रवेश पत्र, रोल नंबर, SR नंबर और उनके नाम, माता पिता का, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल का नाम वगैरह शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों को हम ये एडमिट कार्ड दे सकते हैं, उनका एडमिट कार्ड जारी हो गया है। धन्यवाद।